बड़ौदा अहमदाबाद हापा को जाने वाली 1 2 4 7 चलन दिख रहे आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। भारत का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने। इन बच्चों ने आपको बताते चले कि नेशनल चैंपियनशिप यानी कि थांगता नेशनल चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पे ये अव्वल आए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भारत के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है पूरे जम्मू कश्मीर का। आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर आपको बताते चले कि हर किसी के हाथ में आप ये देख सकते हैं कि अवार्ड इनके पास है, जहाँ पर मार्शल आर्ट यानी कि मार्शल आर्ट के बच्चे हैं और आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर नेशनल चैंपियन यानी कि नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप और उसमें दूसरे अव्वल पर ये बच्चे आए हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, कैसे कुछ रहा? मैम जैसे कि हमारा ये कन्याकुमारी में हमारा नेशनल होने वाला था जबकि हमारी पूरी टीम सब जूनियर्स और सीनियर्स की गई थी, हमारा ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन UKG LKG के बच्चे हैं जिन्हें गोल्ड मेडल लिया है, एंड उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उनको एक नेशनल लेवल पे कम्पीट करने का मौका मिला और उन्होंने अपने अपना जो है मेडल प्रूव किया और उन्होंने दिखाया कि नहीं वी कैन डू बेटर। तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल और हमारी जो टीम है टीम एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा और हम फर्स्ट रनर्स आ पाए जबकि हमारे पास बहुत सारे सिल्वर मेडल्स और गोल्ड मेडल्स लेके। आपको मैं एक छोटी बच्ची से ये रूबरू करवाऊं जिनको ये सिल्वर मेडल जो है वो मिला है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है और इन्होंने आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेडल जो है वो जीता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा? मैं बहुत प्राउड फील हूँ अपनी टीम में, हमने मेडल जीता और हमने फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी जीती और मैं बहुत प्राउड हूँ। जब आपने इसकी तैयारी की थी मार्शल आर्ट की तैयारी की थी, क्या लगा था आपको कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? मुझे लगा था कि हो जाएगा। हाँ। करके दिखा देंगे। हाँ। जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। हाँ। कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? और क्या, आपको भी खेलना चाहिए, फिट रहेंगे सारे। आप देख सकते हैं खुशी इनके चेहरों पे साफ तौर पर नजर आ रही है और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर टीम का क्या कुछ रोल रहा, किस तरीके से आपने कितनी मुश्किलात जो है वो आपको वहाँ पर देखनी पड़ी? एज वी ऑल नो बैगिंग अ गोल्ड मेडल एट अ नेशनल लेवल इट वॉज नॉट सो ईजी टू बैग अ नेशनल एट अ गोल्ड मेडल एट अ नेशनल लेवल। सो हमें बहुत कुछ हार्डवर्क करना पड़ा। हम जम्मू में भी कैंप है ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत हार्ड प्रैक्टिस, हमारी श्रीनगर में भी प्रैक्टिस हो रही थी एंड एट कन्याकुमारी ऑल्सो, एंड वी आर सो प्राउड कि हमारी JNK टीम में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कुछ किया। हमारे हर किसी के मेडल्स आए, चाहे गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, वी आर सो हैप्पी एंड विद दिस ट्रॉफी वी आर एक्सट्रीमली रियली वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड वी गॉट थ्रू यू नो मोर देन दैट। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब हर किसी को आना चाहिए एंड हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ मोर वैलिड गेम of the nation and it gives us some you know power, it gives us some more than everything, that's it. मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के बच्चे हर गेम में आगे हैं। जहाँ पर जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो आर्टिस्ट में सामने देखने को मिलते हैं और वहीं पर गेम्स की अगर बात करें तो मार्शल आर्ट की बात करें ऐसे कई सारे निकल कर सामने आते हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो हमेशा आगे ही देखने को मिलते हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चे किसी से भी कम नहीं है। सर कितनी आपको इसमें मुश्किलात देखनी पड़ी क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे थे इसको लेकर नेशनल खेलना था आपने, तो कितनी मुश्किलात आपको इसमें देखनी पड़ी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ आपके मीडिया कर्मियों का जो हमें कवरेज देने के लिए आए, उसके बाद जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी मैडम हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे जो डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर हैं और हमारे एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने हमें 10 डेज़ का कैंप प्रोवाइड करवाया बिफोर टूर्नामेंट जो जिनमें इन सब बच्चों की प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ था, तो उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई और टाइम टू टाइम हमारे जो कैंप ऑर्गेनाइज होते रहते हैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से काउंसिल की तरफ से, तो ऑल ओवर द मैम रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आया, हमने इंडिया में 2nd प्लेस ली पूरी इंडिया में, ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे JNK के लिए सर, और हमारा इंडिया का बेस्ट फाइटर भी हमारे टीम में से ही आया लड़का जी। क्या कहना चाहेंगे सर, हाथ में आपके अवार्ड है, कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से, क्या कुछ लग रहा है?
बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। स्पेशली मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ एजाज सर को और मेरे जो मेरे कोच सजाद अहमद डार जो काकापुर के, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस वक्त इंडिया का बेस्ट फाइटर आ गया हूँ इस टाइम। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी मेहनत की थी इन बच्चों ने और उस मेहनत का रंग जो है, फल जो है आखिरकार इन्हें मिल गया? जी मैम, पहले तो आपके मीडियम का हम शुक्रगुजार हैं कि आप फौकतन हमारी कवरेज करते रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी 28th नेशनल थंगता चैंपियनशिप हो रही थी कन्याकुमारी में। इसमें हमारी टीम फुल टीम थी, सब जूनियर और सीनियर गर्ल्स और बॉयज़ और गर्ल्स की भी। तो वहाँ पर कम्पटिशन लेवल तो बहुत हार्ड होता है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट्स वहाँ पर कम्पीट करती है और ये रिकॉग्नाइज गेम है J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ पे बच्चों की मेहनत, हमने पहले यहाँ पे 10 दिन इनका कैंप लगा था और वहाँ पे इनको हार्ड वर्क कराया और ये साल भर की प्रैक्टिस नहीं है, ये पिछले 4-5 सालों से प्रैक्टिस करते आए हैं। तो जिसकी वजह से इनको वहाँ पे ये फल मिल गया और वहाँ पे इन्होंने अपनी लगन और अपनी डेडिकेशन दिखाई और जिसकी वजह से हम फर्स्ट रनर अप आए वहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है, जैसे कि हमारे गेम के सेक्रेटरी साहब है मिस्टर एजाज अहमद भट्ट, उनका भी शुक्रगुजार है कि वो बच्चों में हौसला अफजाई करते रहते हैं बीच बीच में और वो अपना हौसला कम नहीं करते बच्चों में और जिसकी वजह से आज ये फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। और हमारी सेक्रेटरी मैडम है, यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो कंटिन्यू हेल्प कर रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है। लेकिन एक मैं आपके मीडियम से एक रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहूँगा गवर्नमेंट तक, जो कि रहबरी खेल टीचर्स, जो कोचेस हैं, जो कि लास्ट 50 डेज से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं त्रिकुटा नगर में, जबकि वही अगर ऑलमोस्ट आप बच्चे देखोगे यहाँ पे ये रौनक है, ये है, ये उन्हीं बच्चों की मेहनत है, उन्हीं टीचर्स की मेहनत है और वो मेहनत आज यहाँ पे रंग लाई। और रविंदर रैना साहब जो BJP ऑफिस के हेड है, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत की और यहाँ पे इन्होंने मेडल्स निकाले। बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे कुलगाम से है इंचार्ज रहबरी खेल के और यहाँ शुपियन से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से रहबरी खेल टीचर है जो इन पे मेहनत करते हैं और वही मेहनत आज उनकी रंग लाई और हमें सेकंड पोजीशन मिली। और हमारी एक रिक्वेस्ट है LG गवर्नमेंट से कि रहबरी खेल जो टीचर्स है उनका मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए और जो बच्चे हैं इनको भी ऐसी कुछ यहाँ से जब जीत के आए तो थोड़ा सा कुछ और प्रोवाइड करते, जैसे कि इनकी हौसला अफजाई हो जाए ताकि इनको कुछ ट्रैक सूट मिल जाते हैं यहाँ पे, या कुछ जब भी नेशनल हो जाए तो उनको थोड़ा सा और कुछ भी मिल जाए जिसकी वजह से ये कल को आगे और आगे जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे बच्चे यहाँ पे अभी 6 बच्चे खेलो इंडिया में अभी जा रहे हैं MP में, वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी रहबरी खेल की मेहनत और हमारे सर कोच सर जो एजाज सर है उनकी मेहनत है। और इनमें से आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए जिनको कल को वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। बेटा क्या कहना चाहोगे, जब हाथ में ट्रॉफी आई तो कैसा लगा, कैसा फील हुआ? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ सब पे, अपने आप पे। कितनी मेहनत की थी इसको लेकर? 2 साल से मेहनत की थी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। स्ट्रेचिंग जब करते थे तब हम रोने पे आते थे, इतना जोर से हम करते हैं स्ट्रेचिंग। जब प्रैक्टिस करते थे तब लगती थी थोड़ी थोड़ी, चेहरों पर खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही। और ये छोटी सी बच्ची, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो किसी से भी कम नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, हाथ में ट्रॉफी आपके, कैसा फील हो रहा है? मैम ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि हमने अपने J&K को रिप्रेजेंट करा एज ए नेशनल लेवल पे और दूसरा नंबर पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो नेक्स्ट ईयर हम यही कोशिश करेंगे कि हम लोग फर्स्ट प्राइज लेके आए हमारी स्टेट के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे कोचेस हमारे साथ हैं, जो हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, जैसे हमारे अभी साथ है यहाँ पे, तो ये जो ये ऑलरेडी रहबरी खेल के साथ जो है एसोसिएटेड है, तो इनका मसला हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हल हो, क्योंकि अगर ये हमें मेहनत हम पे मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये मेडल्स है तो ये सब इन्हीं की मेहनत है, इन्होंने हमें स्कूल से निकाला, इन्होंने हमें उन जगहों से निकाला जहाँ पे कि शायद ही कभी हम वहाँ से बाहर आ सकते थे। तो जो कि अभी ये लोग रहबरी खेल टीचर जो है ये 50 डेज से ऑलरेडी प्रोटेस्ट पे है, तो हम चाहते हैं कि इनका मसला हल हो क्योंकि ये हमारे आइडल्स हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि
अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे, तो हम चाहते हैं कि इनका मसला जल्दी से जल्दी हल हो। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमारे आइडल्स यानी कि जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। आपको बताते चले कि पूरे भारत का इन्होंने नाम रोशन किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का इन्होंने नाम रोशन किया है, जहां पर सेकंड नंबर पे ही आए हैं। और थंगता नेशनल चैंपियनशिप यानी कि जिस तरीके से मार्शल आर्ट के ये स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है और काफी समय से ये मेहनत कर रहे थे, और जिस चीज को अगर किसी चीज को पाने की तमन्ना है तो आखिरकार वो हासिल हो ही जाती है, और इन बच्चों ने आज करके दिखाया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।